हाँ तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। वेलकम ईच एंड एवरीवन टू माय न्यू वीडियो। गाइस आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम वापस से किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले एक स्कैम को कवर किया था जो था 8,000 रुपये का। अभी आप लोगों को मेरे चैनल पर वो वीडियो नहीं दिख रहा रहेगा, तो बहुत लोगों के सवाल उठ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे थे भाई वो वीडियो को क्या हुआ, वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ गया, प्लीज़ हमें बताओ। और अगर नहीं आया तो क्या वो बंदा आईडी देने के लिए तैयार हो गया या वो बंदा पैसा देने के लिए तैयार हो गया, प्लीज़ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो मैं आज आप लोग को उसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग कहीं से भी इस चैनल पे क्लिक करके नए आए हो या तो पुराने हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी से जल्दी और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दे, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। एंड सॉरी गाइस अगर आप लोग को बारिश की आवाज़ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो क्योंकि मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है 2 दिन से, तो यार क्या ही करें। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग गाइस स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, मतलब एक पिक देखने को मिलेगा। वो पिक का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। उनको चैट मिला, मतलब जो बंदे का जिसने आईडी लिया था उसने, देखो क्या लिख रहा है। रहने दे भाई, वैसे भी तुम लोगों ने फेक न्यूज़ बना के बहुत कुछ कह दिया, अभी तुम डैश बना रहे हो, मेरा फ़ोन का डेटा उड़ा दिया। और सामने वाला बंदा मुझे समझ में नहीं आता, अबे तेरा पैसा लिया है तू क्यों कमज़ोर बनता है, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, तुम्हारा पैसा गया तुम कमज़ोर बन के भाई अबे गाली दे उसको, फिर से वो लिख रहे और मुझे ही डैश बना रहे हो तुम बेटा, जा चल रहे हो ना, पता है मुझे 12K की आईडी 8K में लेने के चक्कर में। तो भाई ये देखो, अभी ये जो इंजाम है ना उसके ऊपर ही डाल रहा है कि 12K की आईडी तुम 8K 8,000 रुपये में लेना चाहते थे। अबे तो 8,000 रुपये दाम तूने ही बोला था। और गाइज उसके बाद ये बंदा क्या बोलता है मालूम है, ये बंदा ये बोल रहा है कि भाई उस बंदे को बोलो वीडियो डिलीट कर दे। पहले तो बोला भाई वीडियो प्राइवेट करने को बोलो, मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी। उसके बाद बोलता है भाई उसको बोलो वीडियो डिलीट करे फिर मैं आईडी दूंगा। आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा ना गाइज, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोग को स्क्रीनशॉट। ये रहा स्क्रीनशॉट, फिर कल सुबह आईडी पासवर्ड पक्का, हम पक्का अभी दे दे, मैं अभी डिलीट करवा देता हूँ, ओके करवाओ मैं देता हूँ फिर, ओके वेट करो। भाई जैसे इस बंदे ने ये चैट भेजा ना, मुझे मालूम था कि ये बंदा नहीं देने वाला है, मुझे मालूम था कि ये बंदा नहीं देने वाला है। मैंने सामने वाले पार्टी को बोला कि भाई अगर मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा वो तुझे ब्लॉक कर देगा, तुझे आईडी पासवर्ड कतई जहर नहीं मिलेगा। वो बोलता है नहीं भाई मुझे उसके ऊपर भरोसा है, उस बंदे ने पक्का वादा किया है वो ज़रूर ही देगा। और भाई देखो यार मेरा काम है भाई आप लोग की बात मानना, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, वो भी मेरा सब्सक्राइबर था। तो भाई देखो यार बंदे ने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला भाई चल, मैं 1-2 घंटा सोचा कि क्या करूँ, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे उसके ऊपर, मैं बोला कि चलो भाई कुछ नहीं, व्यूज़ का कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर्स अगर बोल रहे हैं वीडियो डिलीट करने को तो भाई हम डिलीट कर देते। और जैसे ही मैंने वीडियो डिलीट किया उसके बाद भी वो बंदा क्या बोलता है, भाई प्राइवेट है वीडियो मैं नहीं देने वाला। अब भाई प्राइवेट तो था नहीं क्योंकि मुझे मालूम है मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद ये बंदा बोलता है मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए उसके यूट्यूब स्टूडियो का। मैंने बोला चल भाई उसके लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो बंदे का 8,000 रुपये गया, उसको अगर आईडी पासवर्ड मिल गए तो बहुत ही खूब, मैंने उसको वो भी दिया। उसके बाद जैसे उसने वो चीज़ देख ली, उसके बाद उसने एक ही काम किया जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्लॉक कर दिया उसको। और उसके बाद ना तो उसको आईडी दी ना तो उसको पासवर्ड दिए। अब मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है भाई, आप लोग कहना क्या चाहते हो, ठीक है जो अपना पैसा सामने वाले को देते हैं ठीक है कि, और वो स्कैम कर लेते हैं, तुम लोग बच्चे क्यों बन जाते हो। अबे सीधा बोलना भाई घर में घुस के तुझे मारेंगे, भले तू हरियाणा में क्यों ना, हरियाणवी क्या है कहीं पे भी क्यों ना रहता हो। इन लोग हाँ भाई ठीक है भाई मैं वीडियो डिलीट करवाता हूँ। और भाई उसने एक सेंटेंस क्या बोला है मालूम है, आप ये देखो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। तो बंदा बोल क्या रहा था, डेटा उड़ा दिया तुम लॉजिट ने, तुम लोगों ने, फिर फेक वीडियो बनाते हो के कर दूंगा, फिर मुझे कॉल करके धमकी देते हो जान से ये मार दूंगा, कॉल मेरे पास है, कॉल आई बोला मैं करण हूँ, आईडी भी है नहीं तो। भाई ये बंदा ना जो गेम खेल रहा है ना ठीक है, ये बंदे ने क्या किया मालूम है, अपने एक दोस्त को बोला भाई तू मुझे कॉल कर, तू बोल कि तू करण है ठीक है, तू करण है और मुझे ऐसी ऐसी धमकी दे ताकि वो बंदा एक्सपोज हो जाए। मतलब ये जो ये यूट्यूबर जो है ना गाइज, इसको झाट भाई की भी अकल नहीं है।
भाई आवाज़ तो मिला ले पहले, ठीक है? आवाज़ मिला ले, अगर तेरे को यूट्यूब पे डालने का है तो डाल भाई, मैं रेडी हूँ कॉन्ट्रोवर्सी के लिए, बट तेरी उल्टा मारूंगा, ठीक है? बाकी लोगों की तो मारूंगा ही मारूंगा जो इसमें शामिल है, बट तेरी उल्टा मारूंगा। और मैं करण को बोलना चाहूँगा कि भाई देख, अगर तू ढीला पड़ेगा ना तो 8,000 भी जाएंगे, आईडी भी जाएगी, ठीक है? इतना ही है ना गाइस। तो इस चैनल का नाम भी मैं बताता हूँ, HARA हरियाणवी, ठीक है? हरियाणवी, अभी स्पेलिंग मत पूछना यार, कंफ्यूज हो गया मैं, YT, ठीक है? जाओ चैनल को सर्च मारो, जो कहना है करो, भैंस की टैंट, आज मेरी परमिशन है, ठीक है? जो उखाड़ना है ना उस साले की उखाड़ लो, गाली देना है, रिपोर्ट करना है, जो भी कहना है परमिशन है, प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब मांगेगा भेज भी देना भैंस की टाइट, इंस्टा पे भी जाके करो, इंस्टा पे भी इसका यही नाम है, इंस्टा पे भी जाके करो इसको रिपोर्ट, इंस्टा पे भी प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ दे दो कि इसने स्कैम किया, पक्का वाला वादा है मेरा गाइस, इसका कुछ ना कुछ तो पक्का हो जाएगा। अब भाई तू कर, अब भाई तुझे जो कहना है कर, मैं तो ये वीडियो कतई जहर डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? कतई जहर डिलीट नहीं करने वाला हूँ। और गाइस मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा इसका, जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना उसके साथ, वो भी कल वापिस से, देखता हूँ तू क्या कहता है, ठीक है? तो गाइस चलो चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आप लोग से अगले